नमस्कार, मैं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। समय से पहले तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 1132 करोड़ रुपए की बचत। कोरोना काल के दौरान पाबंदियों के बावजूद 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे महज 28 महीने में बनकर तैयार हो गया, जबकि इसके लिए 36 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में योगी सरकार ने करीब 1132 करोड़ रुपए की बचत की है, जो कुल अनुमानित लागत का 12.72% है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इटावा के पास जुड़ेगा, जिससे दिल्ली एनसीआर के साथ लखनऊ वालों को भी बुंदेलखंड तक सीधा रूट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश को 5वां एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। पीएम मोदी ने ही 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। मानसून सक्रिय होने से कई राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली में येलो अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है और 4 दिन में ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए आज येलो और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के कारण मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जल जमाव होने से यातायात पर असर पड़ा है। मुंबई के कई इलाकों में बस सेवा और लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। अंधेरी सबवे को जलभराव के कारण बंद करना पड़ा है और कई घरों में बारिश का पानी भर गया है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में शुक्रवार तक बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। खराब मौसम के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा, बालटाल और पहलगाम में रुके जत्थे। कश्मीर घाटी में कल रात से हो रही बारिश और अगले 36 घंटे के हाई अलर्ट को लेकर अमरनाथ यात्रा को रोकनी पड़ी है। अमरनाथ यात्रियों के जत्थे बालटाल और पहलगाम में रोक दिए गए हैं। यात्रियों को मौसम साफ होने तक आधार शिविरों में ही रुकने को कहा गया है। हालांकि बारिश के बीच जम्मू से 6,351 श्रद्धालुओं का 7वां जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया है। अब तक करीब 65,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त यानी श्रावण पूर्णिमा तक जारी रहेगी। जी न्यूज एंकर रोहित रंजन को हिरासत में लेने के लिए भिड़ी छत्तीसगढ़ और यूपी पुलिस। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को हिरासत में लेने के लिए नोएडा और छत्तीसगढ़ पुलिस आपस में भिड़ गई। रोहित रंजन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गलत खबर फैलाने के आरोप में छत्तीसगढ़ में केस दर्ज किया गया था। इसी केस के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन के गाजियाबाद स्थित आवास पर पहुंची। इस पर रोहित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एडीजी लखनऊ और एसएसपी गाजियाबाद से मदद मांगी। इस पर कुछ ही देर में नोएडा और गाजियाबाद पुलिस रोहित के आवास पर पहुंच गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद नोएडा पुलिस रोहित को अपने साथ ले गई। नोएडा पुलिस ने कहा कि सेक्टर 20 थाने में जी मीडिया प्रबंधन ने आईपीसी की धारा 505 के तहत एक केस दर्ज कराया है। इसी मामले में पूछताछ के लिए रोहित रंजन को हिरासत में लिया गया है। भाजपा प्रवक्ता बोले, अगले 3-4 महीने में पार्टी में शामिल हो सकते हैं आरसीपी सिंह। जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा ने स्पष्टीकरण दिया है। भाजपा प्रवक्ता संतोष पाठक ने कहा कि अभी आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अगले 3-4 महीनों में वे पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और केंद्रीय कैबिनेट में पार्टी के एकमात्र सदस्य आरसीपी सिंह के बीच पिछले महीने तब तनाव पैदा हो गया जब राज्यसभा के नामांकन से पार्टी ने इनकार कर दिया। इसके बाद से ही आरसीपी सिंह के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो पर छापा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वीवो और उससे जुड़ी फर्मों के खिलाफ देश भर में 44 जगहों पर छापे मारे। इससे पहले वीवो इंडिया का गुरुग्राम स्थित HSBC बैंक का खाता अटैच कर HGST ने 220.13 करोड़ रुपए की वसूली की थी। वर्ष 2020 में नियमों का उल्लंघन कर रिटर्न दाखिल करने के दौरान 110.06 करोड़ रुपए अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में वीवो पर यह कार्रवाई की गई। वीवो के खिलाफ CBI भी जाँच कर रही है।
फिल्म काली के पोस्टर पर बड़ा विवाद, यूपी और दिल्ली में मुकदमा दर्ज। फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में फिल्म के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने भी फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। फिल्म काली के पोस्टर में अभिनेत्री के एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा दिखाया गया है। इसे देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स फिल्म मेकर्स पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार यूपी पुलिस के इस मामले में फिल्म काली के निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई ने धारा 153A और 295A के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।